पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ महिला सुरक्षा जन जागृति अभियान चलाया। तेजोमय सेवा संस्था व उत्तर भारतीय चांदी वाली मंच के साकीनाका पुलिस थाना के वरिष्ठ समाज सेवक अखिलेश तिवारी, अशोक यादव के सहयोग से महिला जन जागृति अभियान पुलिस महिला अधिकारियों के साथ सफल रहा। संवाद में एक महिला ने सुंदरबाग सड़क की तरफ बाल विकास मित्र मंडल के पास हो रही महिलाओं के साथ छेड़खानी व नशाखोरों मटका जुगाड़ से रात भर हल्ला करने वाले पर अपनी शिकायत भी बताया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख व कानून व्यवस्था के सीनियर प्रहलाद घोड़गे ने महिला की सुरक्षा पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही कुछ एनजीओ में वह फर्जी समाज सेवकों के नाम पर काम कर रही आपराधिक किस्म की कुछ महिलाओं की पहचान कर उन्हें सही रास्ता दिखाने व सामाजिक कार्यों में सहयोग करने की सलाह दी गई। सीनियर अफसर ने साकीनाका थाने में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आपराधिक पैराग्राफ पर और उस पर अमल कितना हुआ उसकी चर्चा भी सार्वजनिक की बात की। साकीनाका के जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों ने जनता को पूर्ण मदद करने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ सीनियर देशमुख ने अपराध को जीरो करने पर निष्पक्ष न्याय के लिए जनता से पुलिस की मदद करने की अपील की। गोल्डन हॉल साकीनाका में आयोजित महिला जागृति अभियान में बिट नो 32 के बिट इंचार्ज भी आयोजन में उपस्थित होकर महिलाओं को भयमुक्त रखने और अपने साथ हो रहे अत्याचार पर शिकायत की आवाज उठाने की अपील की। महिला पुलिस अफसर भोसले मैडम ने निर्भया टीम की अगुवाई में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए आयोजन में आए सैकड़ों महिलाओं को जागृत किया। स्कूल, कॉलेज, नौकरी पर जाते समय आते समय सुरक्षा के लिए मदद की बात कही। महिलाओं को जागृत करने के लिए भोसले मैडम ने लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे फाइटिंग सीखने की भी सलाह दी। महिला पुलिस अफसर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक करते हुए अपराधियों को खुली चेतावनी दी। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त रिक्शा, टैक्सी चालक, मालक व ट्रांसपोर्ट वालों को बलवंत देशमुख ने धन्यवाद कहा। इतना बड़े पैमाने पर आपने किया है, बोलते एक शिवसेना के नेता भी है, समाज सेवक भी है, गरीब गरोचों की आवाज भी है। आज जरी मरी साकीनाका सफेदपुर 4 लाख की आबादी के ऊपर का क्षेत्र है, इसमें उद्योगपति भी है, ट्रांसपोर्ट भी है और रिक्शा चालक भी है, फुटपाथ वाले भी है, घर धोती का काम करने वाले भी है। इसमें महिलाओं की जो साथ में अपराध होते हैं उस घटना को कैसे आपने देखा और इस बड़े पैमाने का आयोजन किया? देखिए, साकीनाका में कुछ अप्रिय घटना घटी थी जिससे महिलाओं में एक भय का वातावरण था, तो साकीनाका पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आदरणीय बलवंत जी देशमुख से हम लोगों ने, हमारी संस्था ने संबंध स्थापित करके ये आयोजन किया है कि महिलाएं भयमुक्त रहें, अपराध को कैसे रोका जाए और उन्हें जब पुलिस के सामने वे अपना संवाद करेंगी तो एकाएक उनमें जागृति आती है और अपराध रोकने के लिए ये बहुत बड़ा आज आयोजन किया गया था। साकीनाका पुलिस ने और महिला अधिकारियों ने जिस प्रकार से महिलाओं को भयमुक्त रहने के लिए उनका हर समय हर परिस्थिति में मदद करने के लिए आश्वासन दिया है, निश्चित तौर से ऐसे ही समाज में अपराध मुक्ति का सबसे बड़ा एक संसाधन बनेगा। और मैं पूरी साकीनाका पुलिस को, मुंबई पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ऐसे में पीड़ित आज हमारे साकीनाका के वरिष्ठ समाज सेवक व वरिष्ठ नेता अखिलेश तिवारी जी के शाहिद किसी तरह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जन जागृति के नाम होते रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा का मामला हो, धन व्यापार का मामला हो, यहाँ की शांति का मामला हो या कई कार्यक्रम जैसे नवरात्रि का पर्व है, रोजा है, मुहर्रम है, ऐसी चीजों में शांति बनाए रखने के लिए अखिलेश तिवारी जी सदैव आग्रह रहते हैं कि ऐसे दिन से घर कौन सा कैमरामैन आता है। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।